मनोहर का हमशक्ल या खुद मनोहर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और 20,000 लाइक्स का एम है तो उसे भी पूरा कर दो। तुम्हें तो कहीं देखा है। हाँ, तुम वही थे ना जो डॉक्टर गौतम के साथ आया था। हाँ मैं वही हूँ, और आज मैं आपको जुल्म करने नहीं दूंगा। अरे सर, हमें दो बंदे चाहिए थे, एक टीनेजर और दूसरा बुजुर्ग, दोनों मिल गए। बात तो सही है, लगाओ गोली कनपट्टी पे और ले चलो। अरे सुन ले पे हीरो, ज्यादा सान पट्टी दिखाई तो चाचा को यहीं भर दिया जाएगा। इतनी गोली मारेंगे कि थूक और चाचा का खून बराबर दिखेगा। बोल भरे, अभी भरे क्या? एक मिनट ऑफिसर, रुक जाइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंकल को छोड़ दो। जी नहीं, दोनों साथ चलेंगे। ऑफिसर, हम दोनों साथ में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जो भी करना होगा मुझ पे करना, अंकल को छोड़ देना। वो डॉक्टर सिद्धार्थ जाने, हमें क्या। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका आखिरी काम भी पूरा कर दिया हमने। एक बुजुर्ग और एक टीनेजर दोनों आपके सामने हाजिर है। मैंने पहले भी बहुत कुछ किया एल्पाइन के लिए, और ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो भी एल्पाइन के लिए ही कर रहा हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप लोगों को मार रहे हो, उनकी जान ले रहे हो, इसमें लोगों का क्या फायदा, इसमें क्या फायदा है एल्पाइन का? तुम सब ये देख रहे हो, मेरे कारण लोगों की जान जा रही है, मगर ये नहीं देख पा रहे आगे चल के मेरे एक्सपेरिमेंट्स इन्हें अमर बनाएंगे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? पहले मेरे बेटे को पकड़ा और अब मुझे। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो मुझ पे करिए, मगर इन अंकल को छोड़ दीजिए। देखो लड़के, कायदे में रहो, पटर पटर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे अधिक ज्ञान है हम लोग को। ऑफिसर, आप लोग बाहर इंतजार करिए, अब मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। जी डॉक्टर सिद्धार्थ। मैं एक एक करके तुम दोनों के बॉडी में वायरस डालूंगा और ऑब्जर्व करूंगा उस वायरस के कारण तुम दोनों के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए। ना मेरे पास वक्त है ना आपके पास, इसलिए आप सब कोऑपरेट करें, इसी में आपकी भलाई है। अभी मैं तुम्हारे अंदर ये वायरस डालने वाला हूँ, कोशिश करना स्ट्रांग रहने की। क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? डॉक्टर सिद्धार्थ, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत स्ट्रांग वायरस है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आपको मुझ पे विश्वास करना है तो करिए, वरना मत करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच बताओ, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ। जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो मुझे आज मिल गया। तुम ही वो इंसान हो जिसके ब्लड से इस वायरस का असर 100 गुना बढ़ जाएगा। चचा मुबारक हो, आप दुनिया के सबसे पहले सुपर ह्यूमन बनने वाले हो। नहीं बेटा, मुझे नहीं बनना है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको जो भी करना है मुझ पे करिए, अंकल को कुछ मत करिए डॉक्टर सिद्धार्थ। ए लड़के, वायरस का तुम पे कोई बुरा असर तो नहीं हुआ, मगर तुम थोड़ी देर में बेहोश हो जाओगे। लेकिन चचा, आप दुनिया के सबसे पहले सुपर ह्यूमन बनने वाले हो, बताओ आपको कैसा लग रहा है? बेटा डर लग रहा है। अब डरना छोड़ो और डराना शुरू करो। दुनिया का सबसे पहला सुपर ह्यूमन तैयार है, लेकिन इसका नाम क्या रखूं? हाँ, मिल गया नाम, आज से तुम विराट कहलाओगे। मेरा सुपर ह्यूमन मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, बस इसे टेस्ट करना बाकी है। आप कौन है और मैं यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा भगवान, मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम मेरे हर आज्ञा का पालन करोगे। आप मेरे भगवान हो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैंने तो इसे बना लिया, मगर इसका टेस्टिंग करना जरूरी है। मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता हूँ, जो 5 मिनट बाद खुद असर कर जाएगी। विराट, तुम्हें हर जगह तबाही मचानी है, सबकी जान लेनी है, लोगों की जान लेना, उन्हें मार देना शुभ माना जाता है, और तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम शुभ काम कर सको। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा, लोगों की जान लूंगा, हर जगह तबाही मचाऊंगा। शुरू हो जा विराट, अब रुकना नहीं, किसी की सुनना नहीं। जी डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ ने ऑर्डर दिया है, तबाही रुकनी नहीं चाहिए। ये क्या हुआ?
अरे अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाज आई? अरे सर, ये डॉक्टर सिद्धार्थ किधर है, दिख नहीं रहे, और ये नीला शैतान कौन है? पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, डॉक्टर सिद्धार्थ की चीखने की आवाज तो आई मगर वो दिखाई नहीं दे रहे। और हाँ, वो चाचा किधर गए, वो भी यहाँ नहीं है। जी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हुआ अभी अभी? पनवाड़ी, तुम यही रुको, मैं मनोहर को लेके हॉस्पिटल जाता हूँ, अब वही बताएगा यहाँ क्या हुआ था। जी सर, आप निकलिए, मैं हूँ यहाँ पे। 5-6 मिनट के लिए ही तो बाहर थे हम लोग, इतने में ही क्या क्या हो गया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ रिसर्च कर रहे थे, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, उनकी चिल्लाने की आवाज आई, अंदर आए तो वो है नहीं, और साला ये नीला वाला कौन है? ऑफिसर, मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी जानकारी चाहिए। अरे तुम बोलने लगे, मगर कैसे, तुम तो अभी चुप थे। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर सिद्धार्थ अभी यहीं थे, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे, कहाँ गए वो? मैंने उन्हें धूल की तरह उड़ा दिया, खत्म कर दिया उन्हें। खत्म कर दिया, मतलब कौन है तुम? विराट। विराट, तुम यहाँ आए कैसे? मुझे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बनाया, मैं तुम आम लोगों की तरह थकता नहीं, ना बूढ़ा होता हूँ और ना ही मरता हूँ। चाहो तो तुम मुझे विराट, द ओनली सुपर ह्यूमन कह सकते हो। यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ अपने रिसर्च में सक्सेसफुल हो गए और तुमने उन्हें ही मार दिया। देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे बाल बच्चे हैं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जीना है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। डॉक्टर सिद्धार्थ ने मुझे सबको मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। मुझे नहीं मरना है, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पे, बचाओ। भागो भागो, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, कोई तो बचाओ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो कोई मुझे। हेलो कंट्रोल रूम, जल्दी से डॉकयार्ड पे बैकअप भेजो, मेरी जान खतरे में है, मुझ पे हमला हुआ है, ओवर। सेंडिंग बैकअप टू डॉकयार्ड, ओवर एंड आउट। कब तक लुका छुपी खेलते रहोगे, मरना तो तय है, तो क्यों ना आसान मौत मरो। डॉक्टर, हम लोग डॉकयार्ड में पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग करते वक्त मुझे ये लड़का दिखा, उस वक्त इसे थोड़ा होश था मगर अब ये पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है, आप देख के बताइए इसे क्या हुआ है। डोंट वरी ऑफिसर, मैं देखता हूँ, और वैसे देखने से पता चल रहा है ये सिर्फ बेहोश है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपनी ड्यूटी पे जा सकते हो। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मनोहर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब मुझे जल्द से जल्द डॉकयार्ड जाना चाहिए, वहाँ पनवाड़ी अकेला है, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। ऑफिसर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने हाथ ऊपर करके खुद को हमारे हवाले सौंप दो। DIG साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? अब भोले बनने का कोई फायदा नहीं ऑफिसर, तुम सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है, हम सबको पता है डॉक्टर सिद्धार्थ के एक्सपेरिमेंट के कारण लोगों की अच्छाई का तो पता नहीं, पर लोगों की जान खतरे में जरूर पड़ गई है। जिन लोगों पर भी डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक्सपेरिमेंट किया है उन सबकी जान जा चुकी है, और डॉक्टर सिद्धार्थ के सारे काले कारनामों में तुमने और पनवाड़ी ने उनका साथ दिया है, सो यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें तो पता भी नहीं था वहाँ क्या चल रहा है, डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में तो अभी आपने जब बताया तब मुझे पता चला, मैं बहुत ईमानदार हूँ सर, मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम और पनवाड़ी गलत नहीं हो तो तुम दोनों ऑन ड्यूटी हमेशा डॉक्टर सिद्धार्थ के बेस में क्यों जाया करते थे? सर, उसके पीछे कुछ और कारण था। मुझे जानना है क्या था वो कारण। सर, डॉक्टर सिद्धार्थ को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो कुछ भी वहाँ चाहिए होता था हम उसे वहाँ पहुँचाते थे। तुमने और पनवाड़ी ने डॉक्टर सिद्धार्थ पे इतना भरोसा कर लिया कि वो जो भी कहते थे तुम लोग आँख बंद करके उसका विश्वास करने लगे थे, वो दिन ब दिन गलत कर रहे थे और तुम उसका साथ दे रहे थे, यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुमने जिंदा लोग भी वहाँ तक पहुँचाए, सो यू आर अंडर अरेस्ट। Urgently send all backup to dockyard. Situation is out of control. Over. Copy. We are reaching dockyard in 5 minutes. Over and out. Boys, we have to go. Okay, sir. Dockyard पे सारे backup बुलाए गए हैं. तुम भी अभी on duty हो. इसलिए चलो. Okay, sir. Let's go.
सभी लोग अलर्ट रहना, हो सकता है कहीं से भी अटैक हो जाए। अभी यहाँ क्या चल रहा है कुछ भी कह नहीं सकते। अगर किसी को डर लग रहा है तो अभी ही लौट सकता है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के घर लौटने ना मिले। कोई है जिसे घर जाना है? ग्रेट बॉयज। हे भगवान, मुझे बचा लो इससे, नहीं तो ये मुझे मार देगा। मैंने रेडियो पे कॉल तो दे दिया कि मुझे अर्जेंट बैकअप चाहिए डॉकयार्ड पे, लेकिन अभी तक पीडी आई क्यों नहीं? अगर जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं आए तो मेरी यही मौत हो जाएगी और मैं मरना नहीं चाहता। कुछ लोग इधर से जाओ और कुछ लोग उधर से, चारों तरफ ध्यान रखना। अगर कहीं से भी गोली चलती है तो बिना कुछ सोचे समझे उसे खत्म कर देना। कॉपी सर। लगता है डीआईजी साहब आ गए, अब मैं बच जाऊंगा। सर सर मैं इधर हूँ सर, सर देखिए सर, सर सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता। ऑफिसर पनवारी, तुम यहाँ कैसे? सर मैंने यहाँ बैकअप के लिए रेडियो कॉल दिया था सर, वो सबको मार देगा। पनवारी घबराओ नहीं, ये बताओ हुआ क्या था यहाँ पे? सर डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ रिसर्च कर रहे थे और हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद उनके चिल्लाने की आवाज आई, फिर वो दिखे ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर सिद्धार्थ फरार हो गए? सर मुझे नहीं लगता डॉक्टर सिद्धार्थ भागे हैं, क्योंकि हम लोग गेट पर ही खड़े थे, हमने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा सर। तो हो सकता है वो पीछे वाले रास्ते से भाग गए हो? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने जैसे ही चीखा हम लोग तुरंत अंदर आ गए। पनवारी पहले विमल थूक करके बात करो। सॉरी डीआईजी सर, ये मेरी लाइफ लाइन है, मैं नहीं थूक सकता, जैसे ही मैंने इसे थूका मेरी प्राण चली जाएगी। पनवारी तुमने यहाँ बैकअप क्यों बुलाया? सर वहाँ ऊपर देखिए, वो हम सबको मार देगा। कौन है वहाँ? तुम सभी अपनी बंदूक फेंक के अपने आप को मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम सबके बंदूक का असर मुझ पे होने वाला नहीं है और तुम लोग अभी मरने वाले हो। बंदूक की हर एक गोली तुम्हारे सीने को चीरते हुए निकलेगी, तुम्हें चीखने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अगर अगले 5 सेकंड के अंदर तुम लोगों ने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। 1, 2, 3, 4। इसे हमारी गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा? आखिर कौन है ये? सर जिस बात का डर था शायद वो हो गया, कहीं ये डॉक्टर सिद्धार्थ का सुपर ह्यूमन तो नहीं। हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें कोशिश करते रहनी होगी। बस करो तुम सब, तुम सबको जितनी कोशिश करनी थी उतनी कर ली, अब मेरी बारी है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ की वो रिसर्च हूँ जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मेरा नाम विराट है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने मुझे ऑर्डर दिया था कि सबको खत्म कर दो, और तबाही की शुरुआत मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ से ही की। 5, तुम सब मुझे नहीं मार पाए, अब मारने की बारी मेरी है। ये तो बस शुरुआत है, विराट किसी से डरा नहीं, मुझे कोई रोक दे ऐसा कोई बना नहीं। अब शांति ओम शांति में बदल जाएगी। इसने सबको एक झटके में मार दिया, अगर इसने मुझे देखा तो मुझे भी मार देगा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी और इस बात की सच्चाई सबके सामने रखना होगा। क्या तुम्हें भी मसाज करना है? तुम जो कोई भी हो मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अगर जान बचानी है फिर तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। बचाओ मुझे, कोई है, मैं जीना चाहता हूँ। ये कौन है, इससे कोई तो मुझे बचा लो। भागते रहो, गलती से भी रुकना नहीं। हे शिव मेरी रक्षा करिए, मुझे बचा लीजिए शिव, मुझे कैसे भी करके इससे दूर जाना होगा। अब गाड़ी को क्या हो रहा है, ये रुक क्यों रही है? प्लीज प्लीज मत रुकना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। यार जीप को भी अभी बंद होना था, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? मुझे भागना होगा, मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है। लोगों के मन में मेरे मसाज का डर तो है,
डॉक्टर सिद्धार्थ मेरे भगवान है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है सबको खत्म कर दो और अपने भगवान की बात कौन नहीं मानता, इसलिए मैंने शुरुआत उनसे ही की। अब धीरे धीरे एल्पाइन के लोग मारे जाएंगे। मिनिस्टर साहब मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। क्या हुआ गौतम, इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, कोई नीले रंग के कपड़ों में आदमी है, वो सबको मार रहा है। मैंने उसे बात करते हुए सुना, उसने बहुत सारे पुलिस वालों को मारा है और उसने मेरे आंखों के सामने 3 लोगों को मार दिया। उसे गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सर, वो मुझे भी मार देगा, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। गौतम, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें पुलिस सिक्योरिटी मिल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर, मेरी बात समझिए, पुलिस वाले उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे ना ही मुक्कों का असर हो रहा है ना ही गोलियों का। उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, सबको मार रहा है, हम सबको मार देगा। हमें अल्पाइन छोड़ के चले जाना चाहिए सर। गौतम, हम लोग किसी से भी डर के इस तरह अल्पाइन छोड़ के नहीं जा सकते, सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। सर, वो दिखता इंसान के जैसा है मगर इंसान नहीं है। सर, पहले तुम सांस लो, आराम से बात करो, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया और डॉक्टर सिद्धार्थ वो कहाँ है? वो तो मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ को सजा दिलवा के रहूँगा, मैं गौतम से बात करता हूँ, उसे डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पता होगा। गौतम, मैं मनोहर, कुछ देर पहले कुछ पुलिस वाले आए थे, मुझे और एक अंकल को डॉक्टर सिद्धार्थ के लैब में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ ने मुझे एक वायरस लगाया जिसके बाद मैं बेहोश हो गया, और अभी उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। क्या तुम्हें डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी पता है कि वो अभी कहाँ होंगे? मुझे जहाँ तक याद है, डॉक्टर सिद्धार्थ एक सुपर ह्यूमन बना रहे थे जिसे ना दर्द होगा ना ही कभी वो मरेगा, यहाँ तक कि गोलियों का भी असर नहीं होगा उसे। मनोहर, लगता है डॉक्टर सिद्धार्थ अपने इरादों में कामयाब हो गए। अभी मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ था, वो गोलियों से भी नहीं मर रहा था। मैंने उसे कहते हुए सुना, उसने कई सारे पुलिस वालों को मार दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे सामने 3 इंसान को मारा है। उन 3 लोगों ने उस पे गोलियां भी चलाई मगर उसे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा है, और वो कुछ तुम्हारे जैसा ही दिखता है। मेरे जैसा? मगर ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तुम चाहो तो डॉक्टर से भी पूछ लो, मैं यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। मनोहर, प्लीज मुझे बचा लो मनोहर, नहीं तो वो मेरी जान ले लेगा। गौतम, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। हम सभी जानते हैं मनोहर ने कुछ नहीं किया, लेकिन विराट बिल्कुल मनोहर की तरह दिखता है, तो कहीं लोग मनोहर को गलत ना मान ले। स्टोरी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 20,000 लाइक्स का एम है, उसे भी पूरा कर देना। आजकल व्यूज थोड़े डाउन है तो दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर दो। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट में जरूर से बताना।